BGMI ने एक पोस्ट करी थी जहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया था इनका कोलैबोरेशन विद स्पाइडरमैन नो वे होम। तो यहाँ पे लिखा है स्विंग इनटू स्पाइडरमैन जोन वेलकम टू द मल्टीवर्स। तो इसी के चलते गाइस गेम के अंदर एक ब्रांड न्यू क्लासिक गेम प्ले मोड आने वाला है 1.8 अपडेट के साथ। इस मोड का नाम होने वाला है स्पाइडर मोड एंड ये मोड मिरर वर्ल्ड मोड को रिप्लेस करेगा। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग इस मोड में स्पाइडरमैन बन पाएंगे तो जी नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट यस, आप स्पाइडरमैन की पावर्स जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये होने वाला है आपका न्यू फ्लाइट पाथ इंट्रो एनिमेशन जहाँ पे आपको स्पाइडरमैन दिख जाएगा जो अपना जाला फेंकते हुए इधर से उधर इस प्लेन पे स्विंग करता रहेगा, जैसे आपने अभी प्रेजेंट मोड में जिंक्स को करते हुए देखा है। मैप के ऊपर आपको काफी सारे स्पेशल लोकेशंस देखने मिल जाएंगे। तो इसमें से पहली लोकेशन होने वाली है मिल्टा पावर पे, जो हर मैच में फिक्स्ड रहने वाली है, जहाँ पे स्पाइडरमैन विलन के साथ फाइट करेगा एंड वहीं पे आपको स्पाइडरमैन की पावर्स को एक्वायर करने का मौका दिया जाएगा। एंड दूसरी लोकेशन जो आपको मैप पे कई सारी जगहों पे देखने मिल जाएगी जो होने वाले हैं वेंडिंग मशीन्स। तो इनकी लोकेशन आप मैप पे देख के पता कर सकते हो एंड वहां पे जाके आप कुछ स्पेशल आइटम्स रिडीम कर सकते हो। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं वेंडिंग मशीन पे एंड देखते हैं वहां पे हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को काफी सारे लूट आइटम्स देखने मिल जाएंगे इनके सप्लाई शॉप में, जैसे कि M416, M24, यहाँ तक कि M249 एंड लेवल 3 की लूट। उसके अलावा पहला स्पेशल आइटम होने वाला है शील्ड। तो जी हाँ गाइज, जो प्रेजेंट शील्ड आपको मिरर वर्ल्ड मोड में देखने मिलती है वो अगले अपडेट में भी स्पाइडर मोड में कंटिन्यू होने वाली है। दूसरा स्पेशल आइटम होने वाला है टीममेट रिकॉल कार्ड, जो पर प्लेयर के लिए एक मैच में सिर्फ एक ही लिमिटेड रहेगा, यानी कि एक से ज्यादा आप यहाँ पे रिडीम नहीं कर सकते। बट आपका अगर कोई भी टीममेट मर जाता है, लॉबी में चला जाता है, तो इस स्पेशल कार्ड की मदद से आप उसे फिर से मैच के अंदर बुला सकते हो। एंड अगर आप लोग स्क्वाड मैच खेल रहे हो तो 4 प्लेयर्स के पास होने वाले हैं 4 कार्ड्स, यानी कि आप अपनी पूरी स्क्वाड को एक बार मैच के अंदर फिर से बुला सकते हो। फिर बारी आती है इस एयर ड्रॉप की। तो गाइज, इस एयर ड्रॉप की मदद से आप मैप के ऊपर एयर ड्रॉप नेक्स्ट कहाँ पे गिरने वाला है वो पहले से जान सकते हो एंड वहाँ पे जाके वेट कर सकते हो उस एयर ड्रॉप का या फिर उसे लूटने आने वाले एनिमीज का। एंड जब भी आप लोग ऐसे वेंडिंग मशीन के नजदीक रहोगे तो स्क्रीन के ऊपर क्लोजेस्ट वेंडिंग मशीन का डिस्टेंस आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं उस स्पेशल लोकेशन की तरफ जो होने वाली है मिल्टा पावर में। तो आप लोग को हर मैच में स्पाइडरमैन की फाइट सिर्फ यहीं पे देखने मिलेगी एंड ये लोकेशन फिक्स्ड होने वाली है एंड यहीं पे कुछ स्पेशल पावर्स भी मिलने वाली है। तो गाइज, तैयार हो जाइए नेक्स्ट मोड में मिल्टा पावर को हॉट ड्रॉप बनाने के लिए, क्योंकि ये पावर्स ऐसी है जो हर एक प्लेयर लेना चाहेगा, क्योंकि इसके बाद उसे मिलने वाला है बहुत ही जबरदस्त एडवांटेज। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आओगे तो मिल्टा पावर के अंदर आपको एक एलियन स्पेसशिप दिख जाएगा जहाँ पे आ चुका है एक एलियन विलन। एंड इस विलन के कुछ बॉडीगार्ड्स का भी आपको सामना करना पड़ेगा जो होने वाले हैं रोबोट्स। तो इन रोबोट्स की खास बात यह है कि अगर आप लोग इन्हें मारते हो तो ये ड्रॉप करने वाले हैं काफी मस्त लूट। एंड अगर आप लोग को वेंडिंग मशीन के गोल्डन कॉइन्स चाहिए तो आपको तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रोबोट्स ड्रॉप करने वाले हैं गोल्डन कॉइन्स, लेवल 3 की लूट एंड यहाँ तक की रायट शील्ड भी। यानी कि जो भी यहाँ पे आएगा सर्वाइव करके सारी लूट लेके चला जाएगा, उसका तो चिकन डिनर पक्का समझ लो। सो ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे देखिए, ये है वो एलियन स्पेसशिप जो मिल्टा पावर में लैंड कर चुका है एंड इसके अंदर आया है एक काफी खतरनाक विलन काफी तगड़ी बढ़िया पावर्स लेकर। बट हम लोग को इस विलन के साथ फाइट करने का मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि हर बारी जब भी आप यहाँ पे आओगे यहाँ पे स्पाइडरमैन आएगा इस विलन को डिफीट करके उसे अपने जाले में फंसा के लेके जाने के लिए। तो इस फाइट के तो हम लोग नियर स्पेक्टेटर्स होने वाले हैं, बट जब भी ये फाइट खत्म होगी तो इस विलन के थ्रू ड्रॉप होने वाले स्पेशल लूट बॉक्सेस जिसके अंदर हम लोग को स्पाइडरमैन की पावर्स मिलने वाली है। जी हाँ गाइज, तो इन दो स्पेशल लूट बॉक्सेस को आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो, बट ये ऐसे बॉक्सेस है जिन्हें आप जब तक स्पाइडरमैन इस विलन को डिफीट करके लेके नहीं जाता एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। तो जब तक ये फाइट खत्म होती है हम लोग को यहाँ पे रुक के इंतजार करना पड़ेगा एंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइडरमैन ने अपने जाले में इस विलन को फंसा लिया है। एंड जब यह फाइट खत्म हो जाएगी आप देखोगे स्पाइडरमैन इस विलन को अपने जाले में फंसा के ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा। एंड जब भी ये चीज हो जाएगी आप नोटिस करोगे इन स्पेशल लूट क्रेट्स के ऊपर एक लाल कलर की लाइट ग्लो होने लग जाएगी, यानी कि अब आप लोग इन बॉक्सेस को लूट सकते हो एंड स्पाइडरमैन की पावर्स को एक्वायर कर सकते हो। तो इन बॉक्सेस के अंदर लूट तो आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगी, बट आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे 2 स्पेशल आइटम्स जो आपके प्लेयर को दिला देंगे स्पाइडरमैन की पावर्स। तो पहला आइटम होने वाला है वेब बॉम्ब। तो इस वेब बॉम्ब की मदद से आप जमीन के ऊपर जाला बिछा सकते हो एंड जो भी एनिमी आपके जाले में आएगा उसके अंदर फंस जाएगा एंड उसकी मूवमेंट स्पीड काफी कम हो जाएगी।
यहाँ तक कि गाइज आप लोग खुद भी इस वेब ट्रैप में फंस सकते हो। तो इस चीज़ को हम लोग काफ़ी स्ट्रैटेजिकली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम लोग घरों के एंट्रेंस पे दरवाजों के पीछे इस चीज़ को स्पॉन करके रख सकते हैं, एंड जब भी एनिमी अंदर रश करेगा वो इसके अंदर फंस जाएगा एंड आपको दिला देगा एक काफ़ी ज़बरदस्त एडवांटेज। बट यहाँ पे मिलने वाली दूसरी चीज़ तो और भी कमाल की है। तो गाइज ये है वेब ट्रैप। इस वेब ट्रैप को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसे एनिमी के ऊपर छोड़ोगे तो एनिमी इसके अंदर फंस जाएगा, जैसे स्पाइडरमैन उस विलन को लेके गया था। आइदर आप ये कर सकते हो या फिर आप इसकी मदद से स्विंग करके कुछ ऐसी लोकेशंस पे जा सकते हो जहाँ पे नॉर्मली गेम के अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं है। इसकी मदद से आप वेयर हाउसेस के ऊपर चढ़ के कैंप कर सकते हो, वहाँ पे जाके बैठ सकते हो, एनिमी का इंतज़ार कर सकते हो, या फिर आप ब्रिज कैंपिंग भी कर सकते हो एंड ब्रिज के ऊपर काफ़ी आसानी से चढ़ सकते हो। जी हाँ गाइज, एंड ऐसे ही गाइज और भी बहुत सारी लोकेशंस है जहाँ पे आप इस वेब ट्रैप का इस्तेमाल करके उनके ऊपर जाके बैठ सकते हो एंड गेम के अंदर एक काफ़ी तगड़ा एडवांटेज ले सकते हो। एंड जब भी आपके पास ये स्पेशल आइटम्स रहेंगे पूरे मैच के लिए आपकी पावर्स होने वाली है अनलिमिटेड, यानी कि आप जितनी मर्जी इन्हें यूज़ कर सकते हो, इनका कोई लिमिट नहीं रहने वाला। बट देयर इज अ कैच गाइज, क्या आपने नोटिस किया यहाँ पे एक मैच के अंदर सिर्फ ऐसे दो ही स्पेशल लूट क्रेट्स होने वाले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये स्पेशल पावर्स पूरे मैप के अंदर सिर्फ दो लोगों को ही मिलने वाली है। यस गाइज, तो इसके लिए गाइज आपको मिल्टा पावर जाना पड़ेगा, वहाँ पे बंदों के साथ फाइट करके सर्वाइव करना पड़ेगा एंड उसके बाद ये सारी लूट आपकी, एंड आप कह सकते हो कि चिकन डिनर भी फिर आपका ही हो गया, क्योंकि इन स्पेशल पावर्स की वजह से आपके पास बहुत ही बढ़िया एडवांटेज रहने वाला है। तो फिलहाल गाइज इसको लेके काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आने वाली है, एंड ये स्पेशल मोड आने के बाद मुझे तो ऑलरेडी लग रहा है कि काफ़ी मज़ा आने वाला है इसे खेलने के लिए। तो वैसे गाइज जो जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की आप लोगों को कैसी लगी बताना, एंड 1.8 अपडेट के साथ गेम के अंदर ये नया स्पाइडर मोड आपको देखने मिलने वाला है, एंड बीटा वर्जन पे फिलहाल और भी चीज़ें ऐड हो रही है धीरे धीरे, तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें आएंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ।